भाई जी एक मिनट, जाना नहीं, वीडियो आगे नहीं करनी, वीडियो पूरी देख के फैसला करके जाना इसका और मेरा फैसला, हमारी बात सुन के जानी। इस बंदे के पास 20-24 एकड़ जमीन की थी, इसने ट्रैक्टर लेना था, मैं इसको बैंक वालों के पास ले गया, मैंने उनसे पैसे लिए, जमीन गिरवी रखा कि आधे खुद रखे आधों को ट्रैक्टर लेके देगी, ठीक है जी। 6 माह बाद बैंक वाले आ गए जी किस्त, मैंने इसका जो घर है वो गिरवी रख के पैसे लिए और बैंक वालों से आधे खुद रखे आधे इसको दिए, भी उनकी किस्त वापस दे दे, ठीक है। 6-7 माह फिर गुजरे, बैंक वाले फिर आ गए, हमारी किस्त जी 2 दफा आपने कर्जा लिया, मैंने इसके माल डंगर जो हैं मझ गाय भैंस वो बकरी खोती रेड़ी साड़ी बेच के आधे पैसे मैंने खुद रखे आधे इसको दिए, भी उनकी किस्त दे दे, ठीक है जी। ये इतना बेशर्म बंदा है, आज तक इसने मेरा थैंक यू अदा नहीं किया कि मेरी वजह से इसकी एक चीज बन गई, बड़ा क्या ट्रैक्टर है। मैंने देखो जी, मैंने थोड़ा सा उसमें खाया भी है, चीज तो बन गई है ना भाई, लगाए भी तो है ना, इस पे ट्रैक्टर बन गया है ना। अगर मैं ना लेके देता ट्रैक्टर इसको कर्जा लेके, तो सारी जिंदगी ये नहीं ट्रैक्टर ले सकता था। तो इसको शर्म आनी चाहिए, मेरा शुक्रिया अदा करे, आप फैसला करें, बताएं इसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं। भाईजान, और नवाज शरीफ देख लो, जिस तरह नवाज शरीफ है, उसने हमें ऑरेंज ट्रेन दी, मेट्रो दी, वो अंडर वेयर जो होता है अंडर पास वो दिया, और वो जिस पे गाड़ियां दुड़ाते हैं मोटरवे दिया है, हमारे पे नवाज शरीफ साहब का एहसान है। और ये यूठिए जो है कहते जी कर्जा चढ़ गया कर्जा, ओ भाई नवाज शरीफ ने खाया है तो लगाया भी तो है ना, चीज तो बन गई है ना, पागल जो जाहिल इंसान नवाज